ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और क्लास के फोल्डर को पे वर्क करने वाले हैं। तो सिंपली मैं यहाँ विजुअल स्टूडियो कोड पे अपने फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे index.html को कर चुका हूँ ब्लैंक और यहाँ पे सिंपली मैं अपने ब्राउजर भी इसको रन करके कुछ ऐसा हमारा रिजल्ट अभी आ रहा है। तो सिंपली गाइस, आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे ड्रॉपडाउन क्या कुछ ड्रॉपडाउन हम लोग कैसे बना सकते हैं बूटस्ट्रैप 5 में। ऑलराइट, और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कार्ड तक देख चुका था, तो आज हम लोग यहाँ पे ड्रॉपडाउन देखने वाले हैं। ड्रॉपडाउन बेसिकली हम लोग का तब यूज होता है जब हम लोग का कभी हम लोग मेनू क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग को सब मेनू डालने हैं। ऑलराइट, या फिर कभी हम लोग बटन बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोग को और भी आइटम ऐड करना है, तब हम लोग क्या है कि ड्रॉपडाउन बटन का या फिर ड्रॉपडाउन का यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे देखिए आपको एक बटन दिख रहा होगा और यहाँ पे कुछ ऐसा ड्रॉपडाउन आइटम भी आ रहा है। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊं कि हम लोग इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने पेज पे, अपने वेबसाइट पे, तो सिंपली हम लोग का सेम रूल रहता है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे एक डिव लेते हैं जिसके अंदर सारे के सारे कंटेंट हमारा रहेगा, ठीक है, और वो डिव में जो क्लास रहेगा वो रहेगा ड्रॉपडाउन। ऑलराइट गाइस, फिर यहाँ पे हम लोग को बटन का कुछ मिल जाता है, ठीक है, बटन हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। बटन का क्लासेस हम लोग ऑलरेडी इतना जान चुके हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या है कि ड्रॉपडाउन टॉगल का यूज करेंगे जिससे हमारे को ये जो आपको आइकन दिख रहा है, ठीक है, डाउन एरो की का, यहाँ पे सिंपली आपको ऐसा आइकन टॉगल के हेल्प से मिल जाता है। ऑलराइट, फिर यहाँ पे डेटा बेस टॉगल का हम लोग यूज कर लेंगे और इसके अंदर हम लोग ड्रॉपडाउन को पास कर देंगे, ठीक है, और ये हमारा जो रहा, ये हमारा ड्रॉपडाउन का जो एक्चुअल टेक्स्ट रहेगा वो है। ठीक है गाइस, तो चलिए फटाफट मैं आ जाता हूँ अपने इंडेक्स पे और इसको चलिए हम लोग करते हैं डेवलप। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताया कि हम लोग एक डिव लेंगे, ठीक है, और उस डिव का क्लास क्या रहेगा, ड्रॉपडाउन, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद ये जो हमारा डिव रहेगा, इस डिव के अंदर हमारा सारा आइटम रहेगा, जो भी बटन भी रहेगा, यूएल भी रहेगा, एलआई भी रहेगा, वो भी मैं बताता हूँ आप लोग यूएल एलआई एक्चुअल में क्यों यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बटन ले लेते हैं, अगर तो बटन हमारा ये सिंपल टैग है। ऑलराइट, और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ कर लेते हैं आइटम्स, ठीक है, ये हमारा एक बटन बन गया आइटम्स के नेम से। अगर इसको हम आपको रन करके यहाँ पे दिखाएं तो ये सिंपली आपको ऐसा दिखेगा। ऑलराइट, ये हमारा एचटीएमएल का सिर्फ और सिर्फ एक बटन दिख रहा है। इसको अगर हम लोग को पहले सेंटर में करना है तो हम लोग सबसे पहले इसको सेंटर टैग के अंदर डाल देंगे, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा डिव सेंटर में आ जाएगा, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग करने वाले क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्लास ले लेंगे और क्लास में हम लोग सबसे पहले btn यूज करने वाले हैं, ठीक है, फॉर द क्रिएटिंग अ बटन, ठीक है, और फिर उसके कलर के लिए हम लोग सपोज कि हम लोग को चाहिए, अगर रेड चाहिए हमको डेंजर यूज करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हमारा क्या होगा कि एक सिंपल सा बूटस्ट्रैप का बटन हम लोग को बन के मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हमारा काफी सही यहाँ पे बटन बन के मिल चुका है। ऑलराइट, इसके अंदर हम लोग एक और क्लास का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैं बताया था, ये रहा ड्रॉपडाउन टॉगल क्लास, ठीक है, जहां पे हमारा क्लास बटन का सारा खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ठीक है यहाँ पे हम लोग सिंपली ड्रॉपडाउन टॉगल कर देंगे, ठीक है गाइस। अगर यहाँ पे अभी हम लोग फिर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है कि डेटा बेस टॉगल का ये अंदर भी ड्रॉपडाउन पास होया हुआ है, तो हम लोग इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे सिंपली आते हैं और यहाँ पे ऐसा पास कर देते हैं। ऑलराइट, इसके बाद हमारा जो ये आइटम्स है, ये हमारा सिंपली क्या है, एक बटन का नेम है। अगर हम लोग यहाँ पे रिजल्ट देखें तो अभी हमारा टॉगल आइकन बन जाना चाहिए, तो जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस यहाँ पे हमारा टॉगल बटन बन चुका है, टॉगल आइकन यहाँ पे शो होने लग गया है, ठीक है। अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे ड्रॉपडाउन आइटम अभी ऐड नहीं हुआ है। ऑलराइट, ड्रॉपडाउन आइटम के लिए हम लोग ऐड करने के लिए सिंपली यूएल और एलआई का यूज करते हैं। यूएल दैट मींस के अनऑर्डर लिस्ट और एलआई मतलब कि हमारा लिस्ट आइटम। ऑलराइट, हमको जितना भी लिस्ट यहाँ पे ऐड करना होगा उस हिसाब से मैं यहाँ पे लिस्ट ऐड कर दूंगा। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग कुछ क्लास होता है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अगर लिस्ट ऐड कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लास पास करूंगा और दैट इज कॉल्ड ए ड्रॉपडाउन, मेनू के नेम से रहेगा,
ठीक है, ये हमारा मीनू और एल आई वाले टैग में हमारा क्या होगा, ए टैग यूज होगा और उसके अंदर हमारा आइटम रहेगा वो बेसिकली। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, यहाँ पे ये देखिए ड्रॉपडाउन मीनू, उसके बाद हमारा क्या ए टैग हुआ है ठीक है फॉर द हाइपर लिंक, और उसके बाद हमारा क्या हुआ है ए टैग के अंदर हमारा ड्रॉपडाउन आइटम हुआ है पास। तो इसको हम लोग सिंपली अभी क्या करते हैं कि कुछ ऐसा कर देते हैं सारे को, ठीक है सबके सारे के अंदर मैं ए टैग यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, सारा हाइपर लिंक रहेगा सब में। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा आइटम का नेम रहेगा वो मैं सिंपली ए टैग के अंदर यहाँ पे कर दूंगा। जो भी ए टैग जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो हमारा जाकर के देख सकते हैं, हमारा वीडियो ऑलरेडी सारा सारे टॉपिक पे अपलोडेड है ठीक है। अभी यहाँ पे मैं अगर कुछ ऐसा लिस्ट वन लिस्ट टू करके अगर ऐड कर दूं, ऑल राइट मैं सारे पे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लिस्ट, तो अभी हमारा कुछ ऐसा यहाँ पे शो होने लग गया। अभी मैं यहाँ पे आऊंगा गाइस तो आप लोगों को ये देखिए यहाँ पे हाइड हो गया नहीं दिखेगा, कुछ ऐसा रिजल्ट दिखेगा ठीक है। अभी आप लोगों को कुछ ऐसा रिजल्ट दिख रहा है ठीक है, ये बेसिकली क्यों ऐसा हो रहा है, अगर मैं इसके अंदर ये नहीं यूज करूंगा तो ये देखिए हाइड नहीं होगा, ये रिफ्रेश जैसे करेंगे ये देखिए बाहर में सारा का सारा आ रहा है। ये हमारा यूएल क्लास के अंदर जो ड्रॉपडाउन मीनू डाले उसके हिसाब से हमारा क्या हो रहा है कि इस ड्रॉपडाउन के अंदर बेसिकली चला जा रहा है ठीक है। तो हमारा कुछ ऐसा अभी वर्क हो रहा है, अभी हमारा प्रॉपर वे में काम वर्क नहीं हो रहा है ठीक है। तो अभी हम लोग क्या यहाँ पे ड्रॉपडाउन आइटम का यूज कर लेंगे ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग फटाफट आ जाते हैं और यहाँ पे हम लोग ड्रॉपडाउन आइटम क्लास को कॉल कर लेंगे सिंपली ठीक है, और इन सारे क्लास में हमारा रहेगा तो फटाफट हम सारे पे अप्लाई कर देते हैं। सो अब हमारा क्या होगा कि ये देखिए जो ऐसा ब्लूइश ऐसा हम लोग को ब्लू दिख रहा है हाइपरलिंक, जो बाय डिफॉल्ट जो हाइपरलिंक हमारा वर्क करता है उस हिसाब से। तो अब हमारा क्या होगा जैसे मैं इस पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो ये हमारा हाइड हो गया। अब देखिए ये हमारा पूरा प्रॉपर ड्रॉपडाउन वर्क करने लग गया गाइस ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख रहे थे सेम एज इट इज हम लोग का भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ऑलराइट अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं आगे कुछ क्या, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है कि क्या कुछ हमको टॉगल बटन है ठीक है, क्या हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट है डेटाबेस है टॉगल एट्रीब्यूट ठीक है। तो इन सारी चीज को तो हम लोग भी समझ चुके हैं कि हमारा डिव एलिमेंट रहते हैं उसके अंदर हम लोग ड्रॉपडाउन मीनू यूज करते हैं, फिर हमारा जो लिस्ट रहता है लिंक बटन रहता है उसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं ड्रॉपडाउन आइटम, जो कि मैं यहाँ पे कर चुका हूँ ठीक है। तो इन सारी चीज को हम लोग करने वाले हैं स्किप और आगे फटाफट चलते हैं, जो भी काम की चीज रहेगी उसको यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग को बहुत बार कुछ हेडर भी अप्लाई करना रहता है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिस्ट तो ऐड कर दिया हूँ ठीक है, आइटम लिस्ट में यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा एक और एल आई हो जाए जिसके अंदर ए टैग रहे और उसका बेसिकली नेम हो जाए लिस्ट फाइव ठीक है। और मैं यहाँ पे लिस्ट फाइव को सिंपली करना चाह रहा हूँ क्या कि हम लोग यहाँ पे कुछ लिस्ट फाइव के ऊपर कुछ हेडर अप्लाई हो जाए और वो स्पेशल आइटम के नेम से कुछ हमारा हेडर अप्लाई हो। तो हम लोग सिंपली उसके लिए क्या करते हैं कि एल आई टैग के पास हम लोग कुछ ऐसा एच सिक्स यूज कर लेते हैं ठीक है, और कुछ ऐसा अप्लाई हम लोग कर दिए गाइस। अभी हमारा इसके अंदर हम लोग ए क्लास के अंदर हम लोग ड्रॉपडाउन आइटम भी ले लेंगे, ये रहा यहाँ पे हमारा ऑल राइट। अभी हम लोग एल आई के अंदर एच सिक्स कुछ डाल दिए हैं, बाकी हमारा सेम सारा कुछ ऊपर से सेम है। और जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ इस पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग कुछ ऐसा दिख रहा है अभी जो कि परफेक्टली हम लोग को नहीं लग रहा है। इसके लिए हम लोग के पास एक क्लास आ जाता है दैट इज कॉल्ड कि हम लोग यहाँ पे क्लास और ड्रॉप डाउन हेडर अप्लाई करते हैं। जैसे ही अभी ये कि आप लोग को ऐसा दिख रहा है, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हम लोग को हेडर भी अप्लाई हो चुका है। अभी यहाँ पे सपोज कि मेरा एच फाइव था, अब हमारा एल आई जो रहेगा वो हमारा लिस्ट जो रहेगा वो हमारा लिस्ट सिक्स रहेगा सिक्स ठीक है। अब हमारा जो ये है स्पेशल आइटम में हमारा फाइव एंड सिक्स आ गया है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि हेडिंग लिस्ट हेडिंग का हम लोग का लिस्ट आइटम जो है उसका हम लोग हेडर भी अप्लाई कर सकते हैं ड्रॉपडाउन के अंदर। ऑलराइट यहाँ पे हमारा फिर एक और चीज निकल के आ जाता है कि हमारा यहाँ पे डिसेबल और एक्टिव का, जो कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग को बता चुका हूँ हर एक इसमें। तो उसमें हमारा क्या होता है कि अगर मैं एक्टिव क्लास का यूज करता हूँ तो सिंपली हम लोग को वो एक्टिव हो जाता है। जैसे कि अभी मैं लिस्ट वन को एक्टिव करना चाह रहा हूं, अभी कोई भी एक्टिव नहीं है, तो मैं सिंपली यहां पर आऊंगा और यहां पे मैं क्या करूंगा सिंपली एक्टिव क्लास का
यूज कर लूंगा गाइस। और जैसे मैं एक्टिव क्लास यूज करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हैं कि हमारा लिस्ट वन जो है वो एक्टिव है। अभी मैं अगर लिस्ट फोर को डिसेबल करना चाहूंगा तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे सिंपली आएंगे और यहाँ पे डिसेबल्ड क्लास का कॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा लिस्ट फोर हमारा डिसेबल हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग एक्टिव और डिसेबल हम लोग किसी भी लिस्ट आइटम को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो हमारा कुछ पोजीशन रहता है, जैसे हम लोग ड्रॉप डाउन होता है हमारा, उसे ड्रॉप लेफ्ट होता है, ड्रॉप राइट होता है, तो ये कुछ ऐसा यूजफुल थिंग्स है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे ड्रॉप अप का ऑप्शन आ जाता है। जैसे मैं हमारा ड्रॉप डाउन हो रहा है वो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि क्लास यहाँ पे ड्रॉप अप पास कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे देख लूँ तो ड्रॉप डाउन टेक्स्ट है यहाँ पे कुछ, ठीक है, जो कि अभी स्पैन टैग के अंदर यहाँ पे ड्रॉप डाउन टेक्स्ट ऐड हो जाए तो ये सारी चीज को हम लोग छोड़ने वाले हैं सिंपली। और अगर मैं यहाँ पे एक और चीज हम लोग का काम का चीज यहाँ पे कुछ है, ठीक है, ग्रुप बटन, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ ग्रुप बटन के बारे में, उसके अंदर सिंपली हमारा ड्रॉप डाउन मेनू और ड्रॉप डाउन आइटम अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक चीज हमारा यहाँ पे देखने वाला था कि हम लोग यहाँ पे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन डाल सकते हैं। हाँ, बहुत बार हमारा क्या होता है गाइस कि हम लोग जैसे कि यहाँ पे इतना लिस्ट तो डाल दिए, ठीक है, उसके बाद जो हमारा इसके बाद जो हमारा लिस्ट रहेगा, लिस्ट नंबर सेवन, लिस्ट एट, मैं वो चाह रहा हूँ कि वो स्पेसिफिक उसको हाईलाइट करने के लिए एक हम वहां पे HR का अप्लाई कर ले और उसके बाद हम लोग उसके अंदर सारा आइटम डाल दें। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिस्ट को ले लिया हूँ और यहाँ पे लिस्ट सिक्स के बाद हमारा लिस्ट हमारा हो जाएगा यहाँ पे सेवन और एज इट इज हमारा लिस्ट हो जाएगा एट। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को लिस्ट सेवन और एट को हम लोग को एक HR के बाद हम लोग को डालना, मतलब हॉरिजॉन्टल कुछ लाइन अप्लाई हो जाए, तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या यूज करते हैं कि ये देखिए ये हमारा कुछ LI के अंदर अप्लाई हो जाएगा, ये रहा हमारा LI। जैसे हम लोग यहाँ पे H6 का अप्लाई किए थे फॉर द हेडिंग, ठीक है, फॉर द ड्रॉप डाउन हेडर, वैसे ही हम लोग यहाँ पे HR का यूज करेंगे ये, और यहाँ पे हम लोग क्लास पास करते हैं ड्रॉप डाउन डिवाइडर। ठीक है, क्लास को हमेशा इसको याद करके रखिए, ड्रॉप डाउन डिवाइडर, ठीक है, HR का हम लोग लिए और उसके अंदर हम लोग क्लास अप्लाई कर दिए और HR टैग सिंपली हम लोग क्लोज कर दिए। तो अब हमारा क्या होगा गाइस, हम लोग यहाँ पे इसको अप्लाई नहीं करते, हम यहाँ पे इसको सेवन से अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ठीक है यहाँ पे मैं आऊंगा सेवन में और ऐसा कुछ अप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करके अभी रिफ्रेश करूंगा गाइस तो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए हमारा ये जो सेवन और एट है वो अलग ही डिवाइड होकर के हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि ड्रॉप डाउन डिवाइडर का भी यूज कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन हेडर हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होता है, तो मैं इस चीज को बता दिया हूं आप लोगों। नेक्स्ट अगर मैं एक बार आप लोगों को बता दूं कि अभी हम लोग को लिंक कैसे होता है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे HRF का जो है, यहाँ पे मेरा कुछ आइटम 1.html बना हुआ है, तो देखिये मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दूंगा आइटम 1.html। अभी जैसे ही मैं 1.1 आइटम 1 पे क्लिक करूंगा हमको इस पेज पे लेके चल जाएगा और हमारा ये कुछ आइटम 1.html है। तो इस हिसाब से हम सारे आइटम को लिंक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आगे देख लूं गाइस तो यहाँ पे और कुछ ऐसा ड्रॉप डाउन के अंदर है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है कोलैप्स। ठीक है, कोलैप्स काफी सही हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, या जब भी हम लोग अगर आप एक नोटिस करें फ्लिपकार्ट, अमेजोन या किसी भी ई कॉमर्स पे, तो अगर वहां पे कुछ ऑर्डर का या फिर कुछ प्रोडक्ट का कुछ हम लोग को हाईलाइट देखना रहता है, उसका स्पेसिफिकेशन देखना रहता है, सो जब भी हम लोग डिस्क्रिप्शन या फिर किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारा कंटेंट जो होता है वो कुछ इस तरीके से एक्सपैंड हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्सपैंड होकर के आ रहा है, तो सिंपली मैं इसी को कोलैप्स, यहाँ पे हम लोग को बूटस्ट्रैप में कोलैप्स बोलते हैं हम लोग इसको, तो ये बनाना काफी ज्यादा इजी है गाइस। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि एक बटन के अंदर कोलैप्स हमारा अप्लाई हो जा हुआ है, ऐसा नहीं है, हम लोग किसी भी टैग के अंदर, H1 टैग के अंदर, H5 टैग के अंदर, P टैग के अंदर, किसी भी टैग के अंदर हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं कि इसको कैसे क्या कुछ करना पड़ेगा। तो ये हमारा लिस्ट का कुछ हो चुका है, तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, ऑल राइट, और इसके बाद हम लोग इस पे अप्लाई करना शुरू कर देंगे। तो अभी हमारा सिंपली क्या होता है कि हम लोग एक बटन यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बटन ले रहा हूँ, उसके अंदर हमारा कुछ यहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट पास होता है डेटा बी एस टॉगल के नेम से। ठीक है, और उसके अंदर हम लोग जैसे ड्रॉपडाउन पास कर रहे थे अभी प्रीवियस में टॉपिक में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या कोलैप्स पास कर देंगे। ठीक है, ये हमारा, और फिर दूसरा हमारा क्या है कि ये जो टारगेट है दैट इज कि हमारा जो भी
स्क्रिप्ट रहेगा, ठीक है, उस आईडी को कॉल करेगा यहां से। तो चलिए फटाफट हम लोग इसको पहले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, ये एक बटन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, और बटन का नेम हम लोग कुछ दे देते हैं, रीड मोर। ऑलराइट, अगर मैं इस बटन को देखना चाहूं अपने ब्राउजर पे अभी यहाँ पे, तो देखिए हमारा कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि सिंपली मैं यहाँ पे क्लास अप्लाई कर दूंगा। सबसे पहले मैं सेंटर में कर देता हूँ इस बटन को। तो सेंटर में हम लोग करने के लिए क्या करेंगे गाइस कि इसको कट कर देंगे यहाँ और इस सेंटर टैग कर देंगे यहाँ, ठीक है। अभी हमारा इस टैग ये भी सेंटर में हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या होगा यहाँ पे कि अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास हम लोग बटन का अप्लाई कर लेंगे। तो बटन का क्लास यूज करना काफी ज्यादा इजी है। यहाँ पे हम लोग क्लास btn यूज कर लेते हैं, कुछ हम लोग कलर डालना है तो हम लोग चलो यहाँ पे डार्क यूज करने के लिए, सिंपली ब्लैक यूज करने के लिए हम लोग यहाँ पे डार्क यूज कर लेते हैं। अब हमारा काफी कूल सा वुड स्टेप बटन यहाँ पे बन चुका है गाइस, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ठीक है, अभी यहाँ पे एक और चीज है गाइज, यहाँ पे मैं पता है अगर मैं कोलैप्स का वहां पे ऑप्शन दे रहा हूँ कि अगर बंदा उस पर क्लिक करना चाहे, तो यहाँ पे कुछ मैं साइन ऐड करना चाह रहा था, तो मैं सोचा कि क्या क्यों ना हम यहाँ पे ड्रॉपडाउन टॉगल ही यूज कर लें। ड्रॉपडाउन टॉगल हम लोग को सिंपली क्या दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एक आइकन यहाँ पे दे रहा है बटन के जस्ट बगल में, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि ड्रॉपडाउन टॉगल यूज किया हूँ फॉर द आइकन, ठीक है, ये जो डाउन एरो की का आइकन है सिर्फ इसके लिए। ऑलराइट, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि हम लोग ड्रॉपडाउन का कुछ यहाँ पे वर्क करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपली कोलैप्स का ही काम करने वाले हैं। ऑलराइट, अगर मैं नेक्स्ट बात कर लूँ गाइस, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ टारगेट मिल जाता है, डेटाबेस टारगेट और डेटाबेस टॉगल, इन दोनों चीज को हम लोग यहाँ पे पास कर लेते हैं गाइस सिंपली ऐसा, ठीक है। सो अब हमारा क्या होगा कि ये जो हमारा डेमो है, जो कि हमारा आईडी है, ठीक है, इसको हम लोग पास करेंगे आप नेक्स्ट अपने जो भी हमारा यहाँ पे डीव एक और हम लेंगे और उसके अंदर हम लोग कोलैप्स क्लास का सिंपली पास करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डीव एक ले लेते हैं गाइस फटाफट, और हम लोग डीव, ऑल राइट, ठीक है, डीव हम लोग यहाँ पे ले लिए गाइस, और यहाँ पे हम लोग क्लास यूज कर लेंगे, और क्लास हम लोग यूज कर लेंगे किसका, कोलैप्स का, ठीक है। कोलैप्स क्लास का हम लोग जैसे ही यहाँ पे यूज कर लिए गाइस, अब हमारा क्या होगा कि ये जो कंटेंट रहेगा वो हाइड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं क्लास कौन इसको अभी यहाँ पे मैं पी टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे कुछ डमी हम लॉरम का पैरामीटर पास कर दिए। अभी हम लोग अगर आकर के देख लेते हैं गाइस, तो हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो अभी हमारा कोलैप्स, देखिए यहाँ पे अभी इस पे क्लिक करने से हमारा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अभी तक क्लास कोलैप्स का पास नहीं किया। और हाइड ये क्यों हो गया गाइस, क्योंकि यहाँ पे हम इस चीज को यहाँ पे पास किए हैं, अभी मैं आईडी नहीं पास किया था इसीलिए हमारा ड्रॉपडाउन वर्क नहीं कर रहा था। अभी देखिए कोलैप्स हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाइड कर देने के लिए, सिर्फ ठीक है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर कोलैप्स पास किया हूं, तो अभी देखिए जो भी हमारा कंटेंट रहेगा, जो मेरा पी टैग के अंदर था, वो अभी हाइड हो जाएगा। बट अभी मेरा क्लिक करने पे ये विजिबल नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी आईडी पास नहीं किया हूं, ठीक है। यहाँ पे हम आईडी पास कर लेते हैं, और आईडी हमारा क्या था, यहाँ पे आप लोगों को पहले ही बताया था मैं डेमो, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेम डेमो यहाँ पे पास कर दूंगा। अब मैं इसको जैसे रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे हमारा, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का जो आईडी हमारा है वो यहाँ पे वर्क करने लग गया है और काफी कूल हमारा यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन डालना चाहूँ तो यहाँ पे हम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं क्लास में, ठीक है। अभी हमारा ऊपर से स्पेस हो गया है और काफी सही वर्क कर रहा है गाइस, देख सकते हैं। और इसमें हम लोग एक चीज यहाँ पे क्या किया है कि हम लोग यहाँ पे अगर रीड मोर डालते हैं, हम लोग यहाँ पे ऑप्शन डाल रहे हैं, तो यूजर को पता भी चलना चाहिए कि भाई इस पे क्या करना है, क्लिक करेंगे तो हम लोग किस साइड से क्या होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग कुछ यहाँ पे मतलब मीनिंग, यहाँ पे कुछ मीनिंगफुल चीज हो नहीं रहा था,
दैट्स व्हाई कि मैं यहाँ पे सिंपली क्या किया कि ड्रॉप डाउन टॉगल का जो आइकन रहता है उस मैं आइकन का भी यहाँ पे यूज कर लिया सिंपली। और इस पे जैसे मैं अभी मेरे को पता भी चल रहा है कि अच्छा मेरे को कुछ इस पे क्लिक करने का है, तो इस पे मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारा अभी कोलैप्स एकदम प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन भी ये जो है वो वर्क कर रहा है और यहाँ पे हमारा कोलैप्स भी वर्क कर रहा है। अभी मैं देख लेता हूँ कोलैप्स के अंदर हम लोग को और कुछ क्या मिलता है। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन है जो कि मैं अभी आप लोग को करते करते ही समझा चुका हूँ हर एक चीज को, ठीक है। यहाँ पे अगर आगे हम लोग कुछ और देखें तो यहाँ पे हमारा कुछ है अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है कि कोलैप्स कुछ इस हिसाब से ही बन सकता है। अभी जैसे मैं आप लोग को बताया था कि हम लोग हमेशा बटन के अंदर कोलैप्स को नहीं यूज कर सकते हैं, हम लोग हमेशा यहाँ पे किसी भी, अगर मैं यहाँ पे चाहूँ कि हमारा H2 के अंदर हो जाए अप्लाई, तो मैं बटन हटा के H2 यहाँ पे रख दूंगा और यहाँ पे भी सिंपली हम लोग क्लोजिंग टैग को भी H2 से चेंज कर देंगे और क्लास जो हम बटन के लिए पास किए थे सिर्फ और सिर्फ मैं उसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। अब हमारा क्या होगा गाइस कि हमारा जो यहाँ पे बटन प्रॉपरली बना हुआ था ये हट करके कुछ ऐसा यहाँ पे दिखने लगेगा और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा गाइस तो हमारे यहाँ पे कोलैप्स वर्क करने लगेगा। तो इसके अंदर हम लोग पी टैग को पास कर दें, कोई भी एलिमेंट को पास कर दें, स्पैन टैग के वो यूज करके हम लोग कर लें तो भी हमारा वर्क करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और यहाँ पे डीपली बताया हुआ है कि हम लोग कैसे ठीक है कैसे हम लोग इस टाइप का हम लोग जैसे कि बना सकते हैं। तो अगर मैं आप लोग इतना बता दे चुका हूं तो आप लोग इसको भी सिंपली बना ही सकते हैं, ठीक है। और ये आप लोग का असाइनमेंट रहेगा सिंपली कि आप लोग को कुछ ऐसा ठीक है कोलैप्स का बना करके आइटम लाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आज के वीडियो में इतना ही रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कि नैप्स क्या होता है, नैप बार क्या होता है, कैरासोल वगैरह क्या वर्क करता है। ऑलराइट गाइस तो आज के वीडियो में इतना ही और हम लोग यहाँ पे काफी कुछ देख चुके हैं कि हम लोग ड्रॉप डाउन कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, बूट स्ट्रैप के अंदर, और हम लोग कोलैप्स क्लास का कोलैप्स हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं बूट स्ट्रैप को यूज करते हुए। अगर गाइस वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगता है तो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो गाइस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।